पटियाला कोर्ट ने मशहूर गायक दिलेर मेहंदी को मानव तस्करी का दोषी ठहराया है। दिलेर मेहंदी को 2 साल की सजा सुनाई गई। वहीं उसके भाई शमशेर सिंह को भी अदालत ने दोषी माना और दिलेर मेहंदी फिलहाल पंजाब पुलिस की कस्टडी में है। मामला 19 सितंबर 2003 का है, जब शमशेर मेहंदी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। शमशेर मेहंदी दिलेर मेहंदी के बड़े भाई हैं। पूछताछ में दिलेर मेहंदी का नाम भी इस मामले में आया था। 2003 में ही उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अब 15 साल बाद इस मामले में फैसला आया है। दोनों भाइयों पर गैर कानूनी तरीके से लोगों को विदेश ले जाने के आरोप थे। इस मामले में उनके खिलाफ कुल 31 मामले पाए गए। इनमें पहला मामला अमेरिका में 2003 में ही दर्ज किया गया था। आरोप था कि दिलेर मेहंदी जब अपने शो के लिए विदेश जाते थे तो कई लोगों को वो अपने साथ विदेश ले जाते थे। दिलेर मेहंदी के खिलाफ ये मामला बख्शीश सिंह नामक शख्स ने दर्ज कराया था। आरोप था कि दिलेर मेहंदी ने लोगों को विदेश ले जाने के नाम पर काफी पैसे लिए थे। अपने भाई के साथ 1998-99 के दौरान 10 लोगों को गैर कानूनी रूप से ये लोग विदेश ले गए थे। मेरे बड़े भाई शमशेर पे बनाया था, वो 14 साल हो गए और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई लास्ट ईयर। तो अब वही थे एक मेन एक विक्टिम। अब केस ने जो बोला है, कोर्ट ने, अदालत ने बोला है कि अब हम जाएंगे सेशन कोर्ट है, अपील करेंगे, बाकी जो अदालत का फैसला हो तो फैसला होता ही है और अपनी कोशिश करेंगे हम आगे जाएंगे। हाँ जी, बेल होगी। फिलहाल दिलेर मेहंदी को पंजाब पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले रखा है और अदालत उसे 2 साल की सजा सुना चुकी है।